सो फाइनली 2023 आ चुका है और सिर्फ आया नहीं है, अपने साथ काफी सारे धमाकेदार एनीमे भी लेके आया है। वैसे तो 2022 भी एनीमे फैंस के लिए काफी बढ़िया साल रहा है, जहाँ पे हमने एनीमे और एनीमे मूवीज को काफी ज्यादा पसंद किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2023 उससे भी बेहतरीन होने वाला है दोस्तों, जहाँ पे हमें देखने के लिए मिलने वाले काफी सारे ऐसे एनीमे जो एनीमे कम्युनिटी को हिला के रखते हैं। तो मैं आज बात करने वाला हूँ टॉप 5 ऐसे एनीमे के बारे में जो डोमिनेट करेंगे 2023 के अंदर। सो लेट्स बिगिन। सोलो लेवलिंग, वेल पिछले साल 2022 में इसका ट्रेलर ड्रॉप हुआ था, जो कि ट्रेलर कम एक अनाउंसमेंट वीडियो ज्यादा थी, जिसमें हमें तीन मेजर इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलती है। पहला कि ये एनिमे 2023 में ऑनलाइन एनिमे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म क्रंची रोल पर रिलीज होगा। दूसरा कि इस शो को एनिमेट करने वाले हैं A1 पिक्चर्स, जिन्होंने द 7 डेडली सिंस, योर लाइन इन अप्रैल, कागुया-सामा लव इज वॉर जैसे पॉपुलर शोज को एनिमेट किया है। तीसरा इसकी म्यूजिक कंपोजिशन, वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक कंपोजर ऑफ दिस एरा हिरोयुकी सावानो, जिन्होंने अटैक ऑन टाइटन का भी म्यूजिक कंपोज किया था, वो इस एनिमे की भी म्यूजिक कंपोजिशन करने वाले दोस्तों। सो ये तीन मेजर इन्फॉर्मेशन को देखने के बाद मैं ये तो कह सकता हूँ कि इसकी एनिमे अडैप्टेशन काफी ज्यादा सेफ हैंड्स में है, तो ये बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है दोस्तों। वेल, अगर आप सोलो लेवलिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ कि सोलो लेवलिंग एक साउथ कोरियन मानवा है जो कि वेब कॉमिक पर बेस्ड है, जिसमें 180 चैप्टर्स अवेलेबल है, ऑनलाइन आप कभी भी जाके देख सकते हैं। अगर सोलो लेवलिंग की एनिमे अडैप्टेशन सही रही तो मैं इतना तो जरूर कह सकता हूँ कि यह एनिमे भी बन सकता है वन ऑफ द बेस्ट शोनन एनिमे ऑफ दिस ईयर 2023। सो बी रेडी एंड लेवल अप योर एक्साइटमेंट फॉर दिस एनिमे। जुजुत्सु काइसन सीजन 2, अपने पहले ही सीजन और पिछले साल आई मूवी की धमाकेदार सक्सेस के बाद जुजुत्सु काइसन अपने सीजन 2 के साथ 2023 में एंट्री मारने वाला है दोस्तों। बताया जा रहा है कि सीजन 2 एनिमे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म क्रंची रोल और नेटफ्लिक्स पर वीकली दिखाया जाएगा, जहां पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एनिमे में हमें 24 से लेकर 26 एपिसोड तक देखने के लिए मिलेंगे। फिलहाल हमें इसका कोई फुल फ्लेज्ड ट्रेलर अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है, लेकिन पिछले साल ही आए 1 मिनट के कैरेक्टर इंट्रोडक्शन वीडियो में हमें कुछ सीजन 2 की झलक देखने के लिए मिलती है, जो स्टार्टिंग होती है जुजुत्सु काइसन 0 मूवी के क्लाइमेक्स से, जो इस बात को कंफर्म करती है कि सीजन 2 मोस्टली सतारु गोजो और सुगुरु गेटो के आर्क पर फोकस करने वाली है, जिसमें हमें गोजो का पास्ट आर्क दिखाया जाएगा फ्रॉम द स्कूल टू बिकम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर ऑफ होल जुजुत्सु काइसन सीरीज, जो एक्सप्लेन करेगा कि कैसे गोजो और गेटो एक दूसरे से टोक्यो जुजुत्सु हाई में मिलते हैं और किसी वजह से उन दोनों को अपना अपना रास्ता चुनना पड़ता है। ये तो हुआ पहला आर्क, और दूसरा आर्क की मैं बात करूं तो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है, जिसमें हमें ओवर द टॉप एक्शन देखने के लिए मिलेगा, जो कि होने वाला है शिबुया इंसिडेंट आर्क, जिसमें हमें सीजन 1 एपिसोड नंबर 21 में ऑलरेडी हिंट दे दी गई है। अगर आपको सीजन 1 काफी ज्यादा पसंद आया है तो मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि सीजन 2 तो उससे भी ज्यादा बेहतरीन होने वाला है। डीमन स्लेयर सीजन 3, देयर इज नो डाउट कि 2023 इज द ईयर ऑफ डीमन स्लेयर। वेल, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, फ्रॉम प्रोड्यूसिंग हाईएस्ट ग्रोसिंग जापानीज मूवी इन द वर्ल्ड टू अ डेडिकेटेड फैन बेस, डीमन स्लेयर इसी कोई गलती नहीं कर रहा है जो एनिमे फैंस को निराश कर सके। पिछले 2 सीजन और मूवी की धमाकेदार सक्सेस के बाद डीमन स्लेयर एक लेवल और ऊपर जाने वाला है, क्योंकि अब हमें देखने के लिए मिलने वाला है सीरीज का मोस्ट इंपोर्टेंट आर्क, विच इज कॉल्ड स्टुअर्ट स्मिथ विलेज आर्क, जिसका हाल ही में 30 सेकंड्स का टीजर रिलीज हुआ था, जिसमें हमें देखने के लिए मिलने वाले हैं 2 नए हाशिरा, पहला लव हाशिरा मित्सुरी और दूसरा मिस हाशिरा म्यूचिरो, अलोंग विद अवर मेन प्रोटैगनिस्ट तांजिरो। रिलीज डेट की बात करें दोस्तों तो अप्रैल 2023 में इस क्रंची रोल फन एनिमेशन और नेटफ्लिक्स पर इसका 1 आवर स्पेशल एपिसोड रिलीज होने वाला है, विच स्टार्ट्स विद अपर मून मीटिंग, सो टेक अ डीप ब्रेथ, शार्पन योर कटाना एंड लेट सी हाउ डीमन स्लेयर सीजन 3 विल डोमिनेट इन 2023। विंडलैंड सागा सीजन 2, सो फाइनली 3 साल के बाद ये एनिमे अपने सीजन 2 के साथ 10th ऑफ जनवरी 2023 में रिलीज हो चुका है दोस्तों। इसका फर्स्ट सीजन 2019 में विट स्टूडियो द्वारा एडप्ट किया गया था, लेकिन अब विट स्टूडियो को रिप्लेस कर दिया गया है और सीजन 2 को लेकर आ रहा है वन एंड ओनली मापा स्टूडियो, जो अपने टॉप टीयर एनिमेशन के लिए जाना जाता है और साथ में CGI के लिए भी। फिलहाल मैंने इसका सीजन 1 तो नहीं देखा है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा कुछ तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सीजन 2 की अनाउंसमेंट के बाद से ही मैंने ये चीज तो नोटिस करी है कि एनिमे फैंस सीजन 2 का काफी ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सो आई एम प्रीटी मच श्योर दैट विनलैंड सागा सीजन 2 विल डोमिनेट इन 2023। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 पार्ट 3। अपनी जबरदस्त स्टोरी और इपिक प्लॉट ट्विस्ट के लिए मशहूर अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 अब अपने पार्ट 3 के साथ 2023 में आखिरी कदम रखने वाला है दोस्तों।
वैसे तो अटैक ऑन टाइटन शुरू होता है ह्यूमन वर्सेस टाइटन की फाइट से, लेकिन जैसे जैसे शो प्रोग्रेस करते जाता है थीम सच एज वॉयलेंस, डिस्क्रिमिनेशन, पॉलिटिक्स, फ्रीडम जैसी चीजें और डेप्थ में देखने के लिए मिलती है। हाजी में इसे अमाया ने वैसे तो इसकी मांगा 2021 में फिनिश कर दी थी एंड इज एंडिंग टोटली शुक द एनिमे कम्युनिटी बाय स्ट्रॉम। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि मापा शायद से अटैक ऑन टाइटन की एंडिंग चेंज कर सकता है, लेकिन आप लोग इस बात से कितना ज्यादा सहमत है कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। आई होप कि अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 का ये पार्ट आखिरी पार्ट हो और इसे और ज्यादा ना खींचा जाए और हमें एक बेहतर एंडिंग देखने के लिए मिले। सो ये थे कुछ पांच ऐसे जबरदस्त एनिमे जो मेरे ओपिनियन से 2023 में डोमिनेट कर सकते हैं दोस्तों। वैसे तो मैंने कुछ पांच एनिमे को ही कवर किया है, अगर मुझसे कोई एनिमे छूट चुका है तो आप इसे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर इस चैनल पे नए आए हो तो। मैं मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।